कुछ खास नहीं है। इसके सामने आदि पुरुष को ऑस्कर दे दीजिए। अरे बेकार पिक्चर है यार। पिक्चर के वाट लगा दिया है। कम्प्लीट डिजास्टर बुलशिट मूवी। जबरदस्ती का लग रहा है। हे भगवान, इतनी कैसी लगी मूवी कल की? मैंने इसका ट्रेलर देखा था और मुझे बहुत आशाएं थी और आशाओं पे बिल्कुल भी खरी नहीं उभरी। मैं बोलूँगा इसके सामने आदि पुरुष को ऑस्कर दे दीजिए। इतनी इतनी ज़्यादा बोरिंग, इतनी ज़्यादा मोनोटोनस मूवी। मतलब पहला हाफ तो इतना स्लो पेस्ड है, कोई सिर पैर नहीं है स्टोरी का, रैंडम सीन्स डाले हुए हैं। सेकेंड हाफ में थोड़े बहुत सीन्स ठीक है, अमिताभ बच्चन जी और प्रभास के बीच में, प्रभास का सेम एक्सप्रेशन, दीपिका पादुकोण को कम्प्लीटली वेस्ट किया। स्टोरी का कोई लॉजिक नहीं है, साइंस फिक्शन मूवी बनाई है, कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। मतलब मैंने कभी किसी मूवी के ऐसे 600 करोड़ के बजट में बनी है कहीं भी वो नहीं दिख रहा है। 3D इफेक्ट्स बिल्कुल लगाने की 3D है, और जो भी एक्शन सीक्वेंस थोड़े बहुत सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के लिए थोड़ी बहुत देखने लायक है, वरना मूवी में कुछ नहीं है। म्यूज़िक संतोष नारायण का बिल्कुल ये है, जोडो की सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, एडिटिंग और शार्प होनी चाहिए थी। कोटागिरी राव की 3 घंटे की मूवी है, इतनी स्लो पेस्ट हो जाती है बीच में। डायलॉग्स हमारी सदी के महानायक के लिए, बुड्ढा कहाँ से टपक गया, ये बुड्ढे को रिटायर को, ये इतने डिसरिस्पेक्टफुल डायलॉग सदी के महानायक के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1200 से ज़्यादा फिल्में देखी है और मैं गारंटी दे सकता हूँ हिंदी बेल्ट में ये मूवी नहीं चलेगी। साउथ इंडियन ऑडियंस इसको पसंद कर सकती है, हिंदी ऑडियंस बिल्कुल नहीं। सेम एक्सप्रेशन कुछ नहीं बिल्कुल। अभी क्रिटिक्स रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ से पता चलेगा लोगों का रिव्यू, लोग जो तारीफ करें इतनी, मतलब आई डोंट नो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, आपको तारीफ करें तो करते रहिए। मुझे इससे बेटर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लगी, आदि पुरुष इससे बेटर थी, साहो इससे बेटर थी। तो अगर आदि पुरुष मुझे इससे बेटर लगी तो फिर आप सोच सकते हैं कि इतनी आशाएं थी हमें, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, फिर अमिताभ बच्चन जी, प्रभास, इतने बड़े मैग्नम ओपस स्टार कास्ट, बट कुछ भी नहीं स्क्रीन पे। इतना स्टोरी और डायरेक्शन इतना वीक है नाग अश्विन का, और कम्प्लीटली मतलब कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं भी कोई भी सीन डालो, रैंडम सीन। हाँ तो ये मुझे सिर्फ यही अमिताभ बच्चन जी की जो डायलॉग से बहुत ही ये, और बीच में एक्टर ऐसे एक्टर्स की पता नहीं वो डबिंग की है, ऐसे बिल्कुल साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा है तो हिंदी बेल्ट में कैसे चलेगा, और इतनी स्लो पेस्ड। मतलब वो डायलॉग्स भी अगर जल्दी जल्दी होते तो लोग नज़रअंदाज कर देते। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मुझे बहुत, मैंने कभी किसी मूवी को स्लैम नहीं किया, आई ऑलवेज गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जो अच्छा है अच्छा है, जो बुरा है बुरा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद तो हम लोग आदि पुरुष की तारीफ करेंगे कि मतलब कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। और लोग अपना मोबाइल चेक कर, कितनी सीटियाँ और तालियाँ बजनी चाहिए, इतने बड़ी स्टार कास्ट है। लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत था, लेकिन लोग अपना मोबाइल देख रहे थे, पीपल वर वॉकिंग आउट। अभी आप RRR देखिए, बाहुबली देखिए, तो लोग पलक भी नहीं झपकते। पुष्पा रिपीट वैल्यू है, लोग बार बार वो मूवी, सेम मूवी तो एक बार देख ली तो आपको लगेगा ठीक है। मुझे तो इतनी बोरिंग और मोनोटोनस लगी, मतलब इतनी स्लो पेस्ड, कहीं भी कोई भी सीन डाला हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है, सोल को कनेक्ट नहीं करेगी बिल्कुल। वही पहला 1.5 घंटा तो इंटरवल की हम लोग वेट कर रहे थे, और लास्ट 1.5 घंटा भी लग रहा था कब क्लाइमैक्स आएगा। लोग सीक्वल की बात करें, हमें तो यही हजम नहीं हुई, बहुत मुझे निराश हो रही, क्योंकि जिसमें सदी के महानायक है उस फिल्म की बुराई करना, मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल किस लेवल का होगा। डायरेक्टर का फॉल्ट है, एक्टर्स सब ने अपने किरदार बहुत ही शिद्दत से निभाए। अमिताभ बच्चन जी तो है ही, मतलब वो तो जो भी रोल करें उनको वो उसमें, पर इस तरह के डायलॉग्स जिसमें किसी को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इतने बड़े सदी के महानायक को, म्यूज़िक अच्छा नहीं है संतोष नारायण का, कोई भी ऐसे एंगेजिंग सीन्स नहीं है, कोई बहुत पावरफुल डायलॉग्स होने चाहिए थे। एक्शन सीन्स ठीक है सेकेंड हाफ में है, विजुअल इफेक्ट्स ठीक ठाक है, 3D भी इतना कुछ नहीं है। तो यू विल वंडर, मतलब हमने RRR, बाहुबली, सल्लार, एक से एक उम्दा मूवीज़ देखी हैं, उनके साथ अगर कंपेयर करें ये कहीं भी नहीं है। लोग हॉलीवुड से कंपेयर कर रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आता है। हैट्स ऑफ टू पीपल हु आर अप्रिशिएटिंग दिस मूवी। ठीक है विजुअल इफेक्ट्स ठीक है, मतलब मैंने कहा कि जोर्डो की जो सिनेमेटोग्राफी है ठीक है, बट वो ही नहीं होता है, इमोशन होना चाहिए, स्टोरी कनेक्ट होना चाहिए, वो कनेक्ट है ही नहीं। और डेफिनेटली जो कोई देखेगा वो, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, अगर कोई प्रभास का फैन है तो तारीफ ही करेगा, लेकिन इतना आप मतलब 600 करोड़ के बजट में मूवी बनाई है तो लगता नहीं है बिल्कुल देख के। हाँ सॉन्ग भी कोई ऐसा सॉन्ग मुझे नहीं लगा कि जो मुझे दिल को छू जाए, तो उस तरह से मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी काफ़ी। मतलब सॉन्ग हो या दीपिका पादुकोण को टोटली वेस्ट किया, इतनी उम्दा स्टार है वो, और इतना मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बेहतर हो सकते थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इससे ज़्यादा एंगेजिंग थी,
और मैं आई एम नॉट द वन हु विल जस्ट स्लैम द मूवी, मतलब मैं हर एस्पेक्ट देखता हूँ, 1200 से ज़्यादा फिल्मों के मैंने रिव्यूज़ दिए हैं पूरे वर्ल्ड में, मैंने फिल्में सजेस्ट किया, तो मैं ऐसी कोई मूवी का, इतने बड़े बजट, इतने लोग इन्वॉल्व है मूवी में, तो हम लोग कोई भी मूवी का ऐसी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्टार कास्ट एंड ऑल द एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस, बट मुझे मायूसी हो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट अगर मैं गलत हूँ तो आई अपोलोजाइज, बट मुझे पसंद नहीं आई. With a very heavy heart, in a long, long time, I have not given 1 star out of 5. Amitabh Bachchan ji ke liye. Thank you. Okay hai, kuch khas nahi hai. Below average lagi hai mujhe. Jo expectations the wo film ke, wo pure nahi ho paaye. Mujhe lagta hai ki kuch zyada hi action hai. Special effects ki zyada thi hai, lekin script badi confusing hai. Characterization acha nahi hai. Special effects thik thak hai, lekin fight sequences कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं. डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग लिखे गए बड़ी बुरी तरीके से हैं. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, इसलिए मुझे फिल्म एंटरटेनिंग नहीं लगी. नहीं ना, तो फिल्म इतने बड़े बजट की भी फिल्म, इतने बड़े स्टार कास्ट की फिल्म बड़ी ही बनती है. अब जो फिल्म के लिए 600 करोड़ लगाते हैं वो उसको फूकने के लिए नहीं लगाते ना, वो कमाने के लिए लगाते हैं. वो अच्छे दिल से, दिमाग से फिल्म तो बनाते हैं, लेकिन बना नहीं पाते हैं वो एक अलग बात है. फिल्म बनाने वालों की नीयत अच्छी होती है, इसलिए वो अपने खून पसीने की कमाई लगाते हैं, लेकिन जब वो फिल्म ओवरऑल ठीक नहीं लगती, ओवरऑल बन नहीं पाती, तो कहीं ना कहीं खामी रह जाती है. वो खामी मुझे इस फिल्म में नज़र आई है. बोला मैं डायरेक्शन में, स्क्रिप्टिंग में बहुत सारी खामी है, कैरेक्टराइजेशन बराबर नहीं है. उनके बारे में क्या कहना, स्टार से हो, अच्छा काम कर रहे हैं. थैंक यू. अच्छा है, स्पेशल इफेक्ट अच्छा है, ठीक है, ओके है, वी आर देयर. 5 मैं बोला, 1.5 stars. मजब भाई हो तो तारीफ करूँ ना यार, अरे बेकार पिक्चर है एकदम यार. सबसे पहले तो मैं मूवी के नाम से स्टार्ट करूँगा, कल्कि 2898 AD. ये 2898 AD बोल रहे हैं. बेसिकली पिक्चर पे 600 करोड़ का खर्चा किया है, तो उस हिसाब से टेक्निकल एस्पेक्ट से भी सोचना चाहिए. अभी हम लोग अगर 800 साल फ्यूचर में जा रहे हैं तो वैसे घर होने चाहिए, उड़ने वाली गाड़ियाँ होनी चाहिए. पहली बात, जो भी गरीब लोग हैं उनको फर्नीचर 400 साल पुराने, आज से मतलब समझ लो 16वीं सदी के घर दिखा रहे हैं ऐसे. और दूसरी चीज़ मूवी में दिखा रहा है कि पेड़ पौधे हैं ही नहीं, तो इतने सारे लोग ज़िंदा कैसे है. पूरे पिक्चर में दिखा रहे हैं कि पूरी धरती पे ऐसे एक ही पेड़ बचा है, तो मतलब लोगों के पास खाना कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये सबसे बड़ी पिक्चर के वाट लगा दिया है. एंड उसके बाद प्रभास अंडे के लिए मर रहा है, एक अंडा खाने के लिए मर रहा है. दूसरी चीज़, रामगोपाल वर्मा अंडा बेच रहा है. फिर बाद में पिक्चर में एक बुढ़ी पान खा रही है, उसका प्रभास पान छीन के खा रहा है. अगर पेड़ पौधे है नहीं तो पान का पत्ता आया कहाँ से. फिर उसके अलावा मतलब ये समझ लीजिए, पहला हाफ तो डिज़ास्टर था, पब्लिक सो जाएगी, पब्लिक को इतना कंटाला आएगा कि नींद आ जाएगा. तो अगर तुम 600 करोड़ का खर्चा कर रहे हो तो 300 करोड़ एक्टर के पीछे क्यों खर्चा कर रहे हो, टेक्निकल टीम पे भी तो खर्चा करो, जो सोच के डिसाइड करे कि मतलब ये कैसे एग्जीक्यूशन होना चाहिए, 800 साल बाद फ्यूचर कैसा दिखाई देगा, पूरा फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो तुम. और कल्कि अवतार के बारे में ये कहा गया है उनका जन्म होगा बुराई को मिटाने के लिए, ये बंदे का जन्म हो रहा है पेड़ पौधे उगाने के लिए. मतलब पिक्चर का डिज़ास्टर बना दिया है. पिक्चर में अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो वो अमिताभ बच्चन और प्रभास का जो वॉर सीन था वो बस ढंग का था. वो वॉर सीन के हिसाब से मैं 2.5 दूंगा आउट ऑफ 5. अमिताभ बच्चन की एक्टिंग अच्छी थी, अमिताभ बच्चन अपने जगह पे सही है, बट तुम महाभारत की माँ बहन एक कर रहे हो. महाभारत इतना अच्छा एपिक चीज़ है, तो तुम उसको थोड़ा डिटेल में रिसर्च करके कल्कि अवतार का जन्म किस लिए हुआ है वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर सकते हो. उसके अलावा लाइक टेक्निकल टीम रिसर्च करके फ्यूचर के बारे में रिसर्च कर सकती है कैसा हो सकता है.
थोड़ा उसको अच्छा कर सकती है। इधर लोग खाने पीने के लिए तरस रहे, पेड़ पौधे है नहीं, जिंदा कहाँ से है पब्लिक। पिक्चर के फर्स्ट इंटरवल, मतलब ये इंटरवल तो दीपिका पादुकोण को खुद का नाम तक नहीं पता है, वो खुद से कहाँ से आई है वो तक नहीं पता है उसको अपने बारे में। दिशा पटेनी का छोटा सा माइनर सा गेस्ट अपियरेंस है। कमल हसन का रोल थोड़ा बहुत अच्छा दिखाया है, बट वो डिटेल में बताता कि वो कितने साल से ज़िंदा है या कैसे ज़िंदा है हो रहा है, अगर वो अमर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। जैसे हैरी पॉटर मूवीज़ में कैसे वोल्डेमॉर्ट, मतलब ये समझ लीजिए वो एनिमल का खून पी के ज़िंदा रहता था, ऐसे ही कमल हसन कुछ बेबीज़ का सिरम विरम पी के ज़िंदा रह रहा है। तो ये सब चीज़ तुम पार्ट समझाओ, कुछ भी बकवास बना देने को, मतलब 600 करोड़ तुम लोग ने आग लगा दिया है। आउट ऑफ फाइव मैं अगर 2.5 दूंगा तो वो सिर्फ 2.5 दूंगा प्रभास और अमिताभ बच्चन के वॉर सीक्वेंस पे, बाकी पिक्चर और थोड़ा बहुत कमल हसन के ये जो लुक दिया है कमल हसन को उस पर दूंगा 2.5, अदरवाइज पिक्चर में कुछ देखने लायक नहीं है। कम्प्लीट डिजास्टर, बुलशिट मूवी, क्या था भाई पिक्चर, क्या बनाया तुम लोग, मेरे को समझ में नहीं आया। कल की सच अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, कल की बोला तो लाइक भगवान के ऊपर से नाम पे उसके ऊपर से आधारित किया गया। दिखा रहे मूवी में लाइक फर्स्ट हाफ इतना बोरिंग, प्रभास का एंट्री इतना बोरिंग, गाड़ी बेवकूफगिरी का मारा मारी, क्या था रजनीकांत को दिखाना था क्या, एक्शन क्या था भाई, क्या था वो रजनी, मेरे को तो प्रभास का तो समझ में नहीं आया सीन क्या है। सेकेंड हाफ थोड़ा बहुत मूवी ने पिकअप किया, थोड़ा वॉर जोन्स मिले, दीपिका पादुकोण को दिखा, वहाँ दिखा रहा बच्चे लोगों को सब एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लड़की लोगों को किडनैप करे तो मैं यूनिट मिलेंगे, मैं समझ ना, यू वांट टू शो द मॉडर्न वॉरफेयर, इंडिया को 3D इफेक्ट्स में डालना है, ये सब कुछ देखना है, लेकिन क्या था कुछ तो लाइक टोटली डिजास्टर था मूवी। सेकेंड हाफ थोड़ा बहुत समझ में आया हाँ, लेकिन आई कम फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ मूवी, बट आई कुडंट लाइक बेनिफिट इन द मूवी। मेरा कंप्लीट, मैं जो मेरे साथ में कॉलेज के फ्रेंड्स, हम लोग ने टिकट बुक किया था इतने शौक से, 300-300 रुपया सुबह के 7 बजे का शो, पैसे वैसे हो यार, मन कर रहा बस वही था अमिताभ बच्चन का जो एंडिंग में जो फाइटिंग, प्रभास का जो फाइटिंग था वहाँ पे दिखा रहा द्रोणाचार्य के लड़के, फिर उसका महाभारत का कौन सा, महाभारत का कुछ वॉस कभी नहीं दिखाया एपिक यार, एंडिंग में आप दिखा रहे हो महाभारत के वॉस का एपिक, वो सीन क्या था मेरे को, ये जो बोलते हैं ना 3D इफेक्ट एनिमेशन कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग, जो बोल रहे नान्या वान्या जैसे जो मूवी जैसे जो मार्वल से मूवी उसको टक्कर देने लायेगा, बट द स्टोरी है, स्टोरी में कुछ दमी नहीं है, एग्जीक्यूशन में भी कुछ है ही नहीं है, ऐसा लगता है कि आपको बस बड़े बड़े स्टार्स बोले भाई आपने इस राम गोपाल वर्मा को अंडा बेचते वक्त दिखा दिया, अंडा मतलब यही क्या था, मैं एक्चुअली मतलब उस टाइम में मतलब लोग नेचुरली ये कुछ कुदरती कुछ था ही नहीं, सब जो भी था आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल चीज़ के लिए मारा मारी के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा ऑक्सीजन पे, वो इतने बड़े कॉमेडियन का उनको डाल दिया, उनका नाम मेरे को थोड़ा ध्यान में, प्रमानंद उनको दिखा दिया, उनके घर में रह रहे प्रभास को दिखा दिया कि एक अपने हमारे कमल हसन है, इतने बड़े जो नेगेटिव कैरेक्टर उनका एंडिंग में थोड़ा बहुत अच्छे सीन्स लगे, आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो लड़की लोग का एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उनके वो जो जूस उनके जो कुछ क्या नाम है वो टर्म स्पेक्ट्रम ऐसे ही करके कुछ था उसका एक्सपेक्टम कर, पूरी मूवी उसके ऊपर ही जा रही है। महाभारत के सीन जो एंडिंग में जो दिखा रहे हैं आप, वो प्रभास जो रहते हैं ये रहते हैं महाभारत के कर्ण जो रहते हैं उनका वो सीक्वल डाले, वहीं पे मूवी थोड़ा ठीक लगी, लास्ट के जो बोलते ना 45 मिनट्स वहीं पे, बाकी फर्स्ट हाफ कम्प्लीट बोर्डिंग फैल लग गया यार, क्या है इतना बोर हो गया यार, इतने शौक से आए सुबह यार, बारिश हो रही सब शौक है, पूरा मूड की सत्यानाश, अमिताभ बच्चन ने जो काम किया, दीपिका पादुकोण दिखा रहे हैं हवा माँ जीसस उसको मदर मेरी बना दिया भाई, आपने मदर मेरी बना दिया दीपिका पादुकोण, मदर मेरी बना दिया भगवान कल्कि को उसको जेब में डाल के देखा, जीसस के जैसा बर्थ कर रहे उसको बचाने के लिए सब अपने बलि दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, फिर शंगरीला जैसा एक दिखा दिया कि भाई शंगरीला जैसा एक वहाँ पे इंसान बैठे, वो कबीले के बैठे, वो कबीले के जातिवादी पर सब बैठे, बचे खुचे इंसान जो शरीफ है जो राइबल्स उनको बना दिया, राइबल्स के खिलाफ आप लड़ रहे हो, मतलब क्या था मुझे टोटली कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मूवी का कॉन्सेप्ट। सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ टोटली डिजास्टर, सेकेंड हाफ के लिए शायद अगर दंगा हो तो आऊँगा, वरना यार पिक्चर पैसे वेस्ट है, अगर जो पैसे डाला भाई मत आओ थिएटर में, मैं एक्सेप्ट नहीं बोल रहा हूँ मत आओ, हाँ अगर तुमको PVR जैसे मल्टीप्लेक्स में जो आजकल अंग्रेज के औलाद होते ना, वाओ दिस इज द बेस्ट मूवी यार, आई नेवर सॉ दिस मूवी, वेयर द हेल, ओ मैन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, प्रभास, ओ माय प्रभास, माय प्रभास, बस वही प्रभास को डिजास्टर मिल रहे मूवी, ही डिजर्व समथिंग बेटर, अमिताभ बच्चन दिफर जैसा थग ऑफ हिंदुस्तान देखे ना आमिर खान और अमिताभ बच्चन का, हम लोग यही देख रहे थग ऑफ अली कल की, दिस इज द वॉट इज द वे वी टॉट।
भाई 600 करोड़ को आग लगा दिया तुमने, बस 3D के ऊपर आपने काम किया है, 3D के ऊपर काम किया, कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं किया। फर्स्ट हाफ कॉन्सेप्ट क्या था आप भी देखे हो, फर्स्ट हाफ में कॉन्सेप्ट क्या, बोर तो हो गया हो ना प्रभास का, जैसे आ रही गाड़ी आ रही वो आ रही, वो रोबो बात कर रहा है वो बुरा, ठीक है आई अंडरस्टैंड 24 28 9 का वो दिखा रहे, उस टाइम मॉडर्न क्या काशी दिखा रहे, काशी काशी का दिखा रहे सीन, काशी एकदम भंगार हो गया, अचानक अमिताभ बच्चन जो उनका रोल कर रहे थे तो उनको वो मनी मिल रहा, शंकर की मनी मिल रही है, उसके पास ताकत आ रहा है, फिर वो कूद रहे नाच रहे, उनकी हाइट दिखा रही है, मतलब वही मूवी में और कुछ है नहीं, स्टोरी हो तो बैकग्राउंड ऐसा लगा ये इंट्रोडक्शन ही चालू, जैसे सीरियल बैठ के देख रहे पहला एपिसोड का सीरियल देख के जा रहे हैं, सेकेंड एपिसोड हम लोग कुछ दिन बाद आके देखेंगे, ये है। देखिए पहले हम लोग ने PS सिल्वा देखा था, PS सिल्वा में भी वही इंट्रोडक्शन था ना, ऐसे सेकेंड हम लोग बोले चलो ठीक है यार वॉर एपिक होगा थोड़ा नेवी फाइटिंग, बट एट दी एंड वी विल कम टू नो फॉर डिफरेंट थिंग, लेकिन वहाँ सेकेंड में तो भी वही सत्यानाश कर दिया पूरा मूर्खा था, मुझे सत्यानाश नहीं करना, पैसे भाई बहुत अर्निंगली मैं कमा रहा हूँ, बहुत अर्निंग, मुझे रेस में कॉम्पिटिशन में जाना पड़ता है, वहाँ एंट्री फी भरना पड़ता है भाई, यहाँ अगर मैं हम लोग ऐसे भरेंगे 700,000 रुपये हमारे ऐसे ही चले जाएंगे तो क्या भाई, नहीं भरना फिर भाई, हम नहीं चल रहे, वी आर प्राउड भाई, वी आर प्राउड, हमारी हिंदी मूवी चलेगी भाई, नहीं 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 नेगेटिव रिव्यू मैं कभी नहीं देता, जो पिक्चर नहीं जमता नहीं आता, पिक्चर देखो शाहरुख खान की दंगी नहीं पसंद, नहीं शाहरुख खान की दवा जवान पसंद नहीं ना, मैंने खुद से खुल के तारीफ किया, टाइगर पसंद आई उसका, Tiger 3 पसंद नहीं भाई, जो नहीं पसंद आता नहीं पसंद, ज़बरदस्ती क्या आप तालिबान बनोगे, हमारे सर पर बंदूक डाल के बोलोगे भाई हाँ पसंद आ रही पसंद है, हाँ भाई पसंद आ रही डर के बोल बुलवाओगे, नहीं ना भाई आप लाल कलर को पसंद करते हो, वो पीला को पसंद करता है, वो हरा को नीला वो वाइट को, आप ही मर्जी का छोड़ा, आप नहीं पसंद आता उसको कलर, आप ज़बरदस्ती इसको वो कपड़ा पहनाओगे, नहीं ना वही सीन है, नहीं मैं उसके भी VFX थे, वो रामायण रामायण हम महाभारत सबको मान है, लेकिन जो लैंग्वेज भगवान का जो लैंग्वेज है, आप मोहम्मद पैगंबर का लैंग्वेज अगर उसके लिए कुछ नेगेटिव रहेगा तो ऑब्वियसली आपको फायर अप तो मिलना ही है, देर इज नो डाउट यू आर नॉट गोइंग टू गेट फायर अप, आपको गालियाँ मेरे ख्याल से वो सर तन के से जुदा हिंदू वाले नहीं करते, मुस्लिम में ही ये फैक्ट होता है, सर तन के जुदा हिंदू में नहीं होता, अगर होता था तो प्रभास के और जिसके घर के बाजू है सर तन के जुदा इनको मारो इनके नाम का फतवा, हिंदू में तो है ही नहीं फतवा, हम लोग तो फतवा कर ही नहीं सकते, जो भी है धमकी देना गाली देना वो ट्विटर पे वॉज होता है वही हुआ होगा, प्रभास रेडी गुड एक्टर, आप प्रभास रेडी गुड, स्टोरी एवरी मैं बोल रहा हूँ स्टोरी अच्छा है सब कुछ, लेकिन एग्जीक्यूशन जो पार्ट होता है ना आपका, एग्जीक्यूशन किस तरह से डिलीवर कर, आपको ऑडियंस को बिठा के रखना, अगर फर्स्ट हाफ में आप बोर करवा दोगे सेकेंड हाफ में जो उसका इम्पैक्ट रहेगा या आप जो एक्साइटमेंट खड़ा, पिक्चर 3 घंटे में थोड़ी बहुत स्लो होती है, डाउनफॉल होती है यहाँ वहाँ डाउनफॉल होती है, बट पूरी तरह से आप 3 घंटे में आप बोर करवा रहे हो इतने बड़े सुपरस्टार को, एंट्री में भी अभी ढंग से नहीं दिखा रहा, फाइट थोड़ा फाइटिंग दिखा रहे हो वहाँ, और इसमें आपने इनको दिखा दिया क्या नाम अपनी हॉट एंड सेक्सी दिशा बड्डी, कितनी हॉट दिख रही थी यार, देखो उसको लेके जाती वहाँ अपने वो कौन सा वो घर क्या बोलते हो एक्चुअली टेक्निकल टर्म वहाँ का मैं भूल गया, उसको वहाँ दिखा रही हूँ, वहाँ पे वो गार्डन में घुमा रही है, वहाँ मतलब ये दिखा रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट आप घूम रहे हो, मतलब उस टाइम पे हिंदुस्तान 2989 में हाँ कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉम्प्लेक्स उस टाइम पे मतलब धरती में सब कुछ खत्म हो चुका, अंडे के लिए मारा मारी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारा मारी, तो वहाँ जाके वो बोलता भाई प्रभास भी चीटिंग करने जा रहा है भाई, उसको वो कॉम्प्लेक्स में जाना है, हाँ ये सब सीन है, मतलब कॉन्सेप्ट इज रियली गुड बट एग्जीक्यूशन पार्ट फर्स्ट हाफ वॉज वेरी स्लो, अगर ये है भाई हॉलीवुड के हमारे पास इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है भाई, टक्कर क्या खत्म कर देंगे, देर विल बी नो हॉलीवुड, देर इज नो बॉल, आप साउथ पिक्चर नॉर्थ पिक्चर इंडियन पिक्चर दे आर ऑल इंडियन मूवी, हमारे सब इंडियन मूवी, हम सब इंडियन मूवी को देखेंगे, जो जैसी रहे अच्छी रहे हम सब दे, वी आर अ फैन ऑफ ऑल मूवी, 3 बजे रात को भी देखते, 2 बजे भी देखे, 6 बजे आगे भी देखे, अभी भी 8 बजे नींद हराम करके देखे, रात को यहाँ हम लोग के पास पैसे थोड़े शॉर्टेज बढ़ रहे हैं, एक्चुअली चेंबूर में जाके पहले तमिल में देखने का शौक था हम लोग को, ये भी देखा है ना भाई तू, हाँ हाँ आउट ऑफ 5 मूवी के 3D 5 फुल ऑन 5 बट टोटली 1.5 है, मुझे नहीं पता बाकी जो भी रिस्पेक्टेड जिनको दे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, तरन आदर जो भी रिस्पेक्टेड है उनकी मर्जी, जो जितना स्टार दे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आई रिस्पेक्ट तरन आदर और सबको मैं रिस्पेक्ट रहा वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, थैंक यू। तो भाई काल की 2898 AD प्रभास का बहुत बड़ा मूवी है एंड बजट भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हर बार लोग सोचने आ जाते हैं कि यार इस बंदे को इतना बड़ा बजट कोई कैसे सोच सकता है देने के लिए यार, मतलब चलो ठीक है बाहुबली हो गया, बाहुबली के बाद भी बड़ी बड़े बजट वाली मूवीज़ लेकर के आ रहे हैं, मूवी फ्लॉप हो रही है डिज़ास्टर हो रही है, बट उसके बावजूद बजट इसका कम नहीं हो रहा, बजट बढ़ते जा रहा है, लोग
लगातार अलग अलग तरीके से एक्सपेक्टेशंस बनाते जा रहे हैं कि अब प्रभास इतनी बड़ी ओपनिंग लेगा, इतना बड़ा बचाएगा, मतलब एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं प्रभास से कम नहीं हो रहे हैं। एंड इस मूवी की अगर बात करते हैं तो भाई 600+ करोड़ बजट ऑफिशियली है, मेकर्स को द्वारा ऑफिशियली निकल चुका है, 600+ उसका बजट हो चुका है। लेकिन मूवी की बात करते हैं तो जनरली अगर बताऊँ तो एक्सपेक्टेशंस मेरी भी बहुत ज़्यादा थी, जिस तरह से टीज़र आया था, जिस तरह से ट्रेलर आया था, एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं हमारी जो है इस मूवी से बढ़ती जा रही थी, कुछ भी यहाँ पे कम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, जब मैं मूवी देखा तो स्टार्टिंग तो काफ़ी ठीक ठाक हुई, जिस तरह से अश्वत्थामा का कैरेक्टर बताया गया, स्टोरी सुना रहे हैं अपने बारे में और बहुत कुछ उन्होंने बताया और एनिमेशन के ज़रिए, ये फिर काफ़ी अच्छे खासे आपको एक बिल्डअप देने की कोशिश की जाती है। देन धीरे धीरे जिस तरह से यहाँ पे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिस तरह से हमें दिखाया जाता है काशी के बारे में बताया जाता है, दुनिया की आखिरी शहर, दुनिया का पहला शहर, जो चीज़ें बताई जाती है काफ़ी आपको फीलिंग दिला रही कि हाँ मूवी के जोन में धीरे धीरे जा रहे हो। एक एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, फिर हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे भैरवा से, हमारे यहाँ पे प्रभास भाई से। भैरवा का जो कैरेक्टर हम लोग स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं ना, पहले तो आपको अच्छा खासा फीलिंग आता है उसको लुक वगैरह देख करके, देन जब वो बोलना शुरू करता है, उसके डायलॉग्स वगैरह, उसके पंचेस वगैरह, ऐसा फीलिंग आ रहा था कि यार मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को ऐसा फील दिलाने के लिए, मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन भाई लिटरली मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मैं कहीं ना कहीं समझ रहा हूँ कि ये ज़बरदस्ती का लग रहा है, ओवर ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये ज़बरदस्ती की पंच लाइनर्स डालने की कोशिश क्यों की जा रही है, हम लोग को हंसी नहीं आ रहा है, हम लोग इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम सड़ेले सड़ेले थकेले थकेले डायलॉग इसको दिए गए एकदम। मैं सच बता रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग के 20 मिनट के बाद जब यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे भैरवा की एंट्री हो जाती है, उसके बाद से धीरे धीरे मेरे को नींद आने की शुरुआत हो जाती है। जैसे जैसे यहाँ पे और चीज़ें बताई जाती हैं नींद बढ़ते जाता है। कुछ एकाध सीन कॉम्प्लेक्स वाले वो हाई सिटी के दिखाए जाते हैं, दीपिका पादुकोण कैरेक्टर वगैरह दिखाया जाता है, तो थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट मिलने की शुरुआत होती है, थोड़ा आपका नींद से बाहर निकलते हो। लेकिन जब वो भी कुछ ऐसे सीन्स भी हैं कॉम्प्लेक्स वाले भी दीपिका वाले भी, ऐसे लगते हैं ज़बरदस्ती के खींचे गए हैं यार, ज़बरदस्ती यहाँ पर लेंथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मे भी हो सकता है कि वो डायरेक्टर का प्लान रहा हो कि हम स्टोरी और प्रॉपर तरीके से बिल्डअप करें, सेटअप तैयार कर रहे हैं, ठीक है समझ में आता है, लेकिन ऑडियंस क्या उस चीज़ को समझ में आ रही वो भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए आपको, क्या ऑडियंस उस चीज़ को उसी तरह ले रही जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो काफ़ी कुछ ऐसे सीन्स हैं। एंड एक और सीन, हमारे भैरवा का सपना था कि इसको 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए, इसको वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में जाना है, इसको एंट्री लेना है, वहाँ पे बहुत कोशिश बेचारा कर रहे हैं। एंड सडनली हम लोग देखते हैं दिशा पटानी इसको कॉम्प्लेक्स में लेके घुमा के लेके आ गई, ये क्या सीन है भाई, उसको एंट्री कैसे मिल गई, ये सोचने वाली चीज़ है। एंड कॉम्प्लेक्स में गया वो बेचारा घुड़सवारी कर रहा है, बीच पे गया पार्टी कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, मतलब ये शेर उधर सिक्योरिटी वाले किधर गए, ये सब बहुत ही लॉजिकल छोटी मोटी चीज़ें थी लेकिन एकदम इरिटेट कर रही थी आपको, ये क्या हो रहा है, क्या सीन चालू हो गया अचानक से भाई। देन सडनली वापस से सीन होता है, वो कॉम्प्लेक्स से वापस उसको बाहर भगा देते हैं, पकड़ लेते हैं उसको, फिर वापस से वही अपना धीरे धीरे कहानी लाइन पे आने की कोशिश करती है। देन इंटरवल के थोड़े समय पहले हल्का सा आपको यहाँ पे बिल्डअप मतलब बनाने की कोशिश की जाती है कि हाँ इंटरवल के बाद आपको कुछ मिलेगा। इंटरवल के पहले कुछ एकाध मतलब इंटरवल शुरू होने से 5-10 मिनट पहले की अगर बात करते हैं तो मैं 2 बार सो के उठा हूँ, बहुत इरिटेशन हो रहा था, गालियाँ देने की मन की मन, कई बार ऐसा अजीब सा फीलिंग आया, मेरे बाजू वाला बंदा ही बोल रहा था यार ये क्या मतलब क्या बोला जाए, फिर से बेचारा ख़त्म, फिर से गया है, ख़त्म हो गया, ऐसा टेंशन दिमाग में आ रहा था। लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद जैसे जैसे इंटरवल के बाद हम लोग मूवी देखने की शुरुआत करते हैं, फिर एक बार मूवी आपको अपने जोन में लाने की कोशिश करती है, धीरे धीरे आपका मतलब ऐसा माहौल बनता है कि हाँ भाई पैसा तो लगा है, दिख रहा है माहौल नज़र आ रहा है, वो महाभारत वाला जो चीज़ें उठाई गई हैं और जो बड़े बड़े कैमियोज बताए गए थे कि भाई इसका कैमियो होने वाला है, इसका कैमियो होने वाला है भाई, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग विटनेस करते हैं, आप इन्जॉय करते हैं, और ये चीज़ें मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी खासी फीलिंग आई। और मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ अब सेकेंड हाफ को भी देख करके मेरे अंदर से ये गट फीलिंग निकल रही है कि इस मूवी को ऑडियंस डेफिनेटली पसंद करे, क्योंकि क्या होता है ना मूवी के अंदर अगर आपके पास 10 से 15 मिनट भी कुछ ऐसे पावरफुल सीन्स है ना जो ऑडियंस को गूज़बम्स दिला दें और भाई मतलब सीटी मारने का मन करे, तो वो मूवीज़ भी अच्छे खासे तरीके से चल जाती हैं। और यहाँ पे इसके पास अगर बात करें तो इंटरवल के बाद बहुत कुछ है दिखाने के लिए। एंड हाँ ये मूवी डेफिनेटली श्योर शॉट चलेगी, ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है नो डाउट, फर्स्ट हाफ कहीं ना कहीं लोग झेल लेंगे, सो भी सकते, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर लोग उठेंगे एनर्जी डोज लेकर के उठेंगे, इन्जॉय करेंगे, सीटियाँ मार सकते हैं। प्रभास का जो आप ऑरा देखना चाहते हैं, पावरफुल लुक, भाई इतना बड़ा गेटअप इसने लिया है तो वो चीज़ आप फील करना चाहते हैं। तो बस इंटरवल के जस्ट मतलब वो क्लाइमेक्स के जस्ट पहले वाला सीन्स, काफ़ी कुछ जो फाइट्स वगैरह सीन्स के पास जब पावर आता है वो कुछ चीज़ें हैं ना, एक प्रभास को लेकर के एक्स्ट्रा सरप्राइज भी है जो आप लोगों को पता भी नहीं होगा,
प्लीज़ मूवी देखोगे आपको मालूम पड़ेगा। और हमारे कृष्ण जी को भी लेकर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाई गई है, महाभारत को लेकर काफ़ी कुछ कनेक्शंस वगैरह, तो डेफिनेटली आप लोग एंजॉय करते हैं। ओवरऑल बोलने का मतलब ये है, लेकिन बस वो स्टार्टिंग वाला तैयार रहना, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भाई बोरियत अपने को मिलने वाला है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आपको धमाका मिलेगा 100%। सिक्स 600+ करोड़ बजट है, और मैं रियली अगर बताऊँ, सच्चाई बताऊँ तो कुछ एकाद ऐसे सीन्स हैं जो बहुत ग्रैंड हैं, बहुत बड़े हैं, और ऐसा आज तक आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कहीं पर विटनेस नहीं किया होगा। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जिसको देख करके आपको फीलिंग आती है, कुछ एक आध सीन्स देख करके आपको ऐसा लगता भी है, और अगर आप हॉलीवुड मूवी लवर्स हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये सीन्स कहाँ से उठाया गया वगैरह वगैरह आपके दिमाग में आ जाता है, नॉर्मल सी चीज़ें। लेकिन हाँ, उन सीन्स को भी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। एक आध इत्तू पित्तू बहुत ही माइनर सीन्स है जहाँ पर आपको नज़र भी आता है, और हाँ, ये क्लाइमेक्स से पहले मैं सीन बता रहा हूँ, क्लाइमेक्स से पहले कुछ एक आध सीन्स आते हैं हमारे प्रभास के, जब फाइट, जब आप उसकी एनर्जी को फील करते हैं, उसके आसपास का सीन है जहाँ पर आपको VFX एकदम सड़ेले मिलते हैं, बाकी ओवरऑल वाकई में नज़र आ रहा है कि हाँ, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी फिल्म है जहाँ पे बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ बड़ा है, बहुत कुछ ग्रैंड है। आउट ऑफ 5 मैं इस मूवी को दूंगा 3। दो मार्ग मैंने कम किया इंटरवल के पहले सुलाने के लिए, और बस वही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत और ज़बरदस्त अगर जो सीन्स हम लोगों ने इंटरवल के बाद फील किया अगर वो पहले होता तो ज़्यादा मज़ा आता। अमित जी को देख करके तो बहुत अच्छी खासी फीलिंग आती है, एंड हाँ, ये रियलिटी है कि फर्स्ट हाफ के अंदर जो आपको हल्के फुल्के भी फील थोड़ा बहुत जो दिला रहे हैं ना, आपको सोने से मना कर रहे हैं, वो है यहाँ पे अमित जी। उनके सीन्स जब भी आते हैं आप इन्जॉय करते हैं, सेकंड हाफ में भी आप उनको इन्जॉय करेंगे। एंड मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ की अगर बात करते हैं, फर्स्ट हाफ के अंदर हमारा जो चेहरा है इस मूवी का वो अमित जी ही है, प्रभास सिर्फ नाम के लिए, वो बहुत ही माइनर सीन्स में है, लेकिन जहाँ पर भी आते हो आपको बोर करता है, अमित जी आते हैं आपको एंटरटेन करते हैं। सेकंड हाफ के अंदर यहाँ पे अमित जी एंड क्लाइमेक्स होते होते प्रभास ने ओवरटेक कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अमित जी को जितनी बड़ी उनकी पर्सनैलिटी, जिनका उनको बोला था शहनशाह ऑफ बॉलीवुड, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया गया इस मूवी के अंदर। थैंक यू सो मच।